दोस्तों, एशिया कप 2023 के लिए सुपर फोर की टीमें अब तय हो गई हैं। ग्रुप ए से पाकिस्तान के बाद भारतीय टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप में अपना दूसरा मुकाबला कल नेपाल के खिलाफ खेला था और इस मैच में भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज कर सुपर फोर में एंट्री कर ली है। और इसी के साथ अब क्रिकेट फैंस को भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला भी देखने को मिलेगा और यह मैच 10 सितंबर को हम्बन टोटा में खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को हम्बन टोटा में ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम और नेपाल के बीच यह मुकाबला पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और मैच में नेपाल की टीम ने टॉस हारकर बैटिंग करते हुए 230 रन बनाए। नेपाल की तरफ से सबसे ज्यादा आसिफ शेख ने 58 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद शमी, हार्दिक पांडे और शार्दुल ठाकुर को 1-1 सफलता मिली। वहीं दोस्तों, 231 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 2.1 ओवर में बिना विकेट खवाए 17 रन ही बना सकी थी कि तभी बारिश आ गई और खेल को रोक दिया गया। काफी समय बारिश से करार बर्बाद हुआ और फिर डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से भारत को 23 ओवर में 145 रनों का टारगेट दिया गया। इसके जवाब में भारतीय टीम ने बगैर विकेट गवाए 20 ओवर में 147 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार अंदाज में 50 लगाई और उन्होंने मैच में नाबाद 59 गेंदों में 74 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल भी 62 गेंदों में 67 रन बनाकर नाबाद रहे। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।